अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शहरियान गुलबर्गा को आज ईदुल फितर के मौके पर मैं दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का बाबरकत महीना हमारे सामने से बस लम्हात में गुज़र गया ऐसा महसूस होता है। इबादतें हम लोगों ने की, अल्लाह उनका अजर व सिला अता करे, इसकी मैं दुआ करता हूँ। और आप तमाम हजरात से मैं मुबारकबाद के साथ साथ ये गुजारिश करता हूँ कि आप फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हक़ में भी दुआ करें। जो इबादतें हम लोगों ने की हैं वो अल्लाह उसका सिला यकीनन हमें अता करेगा। उसके साथ साथ वहाँ जो हालात पैदा हुए हैं, अगर हम उनके लिए भी दुआ करते हैं तो वो भी उसका अज्र हम लोगों को भी हासिल होगा और उनके हक़ में बेहतर होगा। बहुत मुश्किल तरीन और तबाहकुन हालात वहाँ के लोग देख रहे हैं, वहाँ के लोग सामना कर रहे हैं, खाने पीने के मोहताज हैं। और ऐसे मौके पर लोग शहीद हो रहे हैं लेकिन उनका पुरसान हाल पूरी दुनिया में आज कोई नहीं नज़र आता है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा होने की हैसियत से तमाम तर मुसलमान इस बात के लिए अल्लाह से दुआ करें कि वहाँ पर जो हालात पैदा किए गए हैं वो ख़त्म हो जाएं और उनको फिर एक बार आज़ादी की सांस लेने का मौका हासिल हो सके, उनकी तकलीफ़ें, उन पर हो रहे अज़ियतें दूर हो सकें। मैं फिर एक बार आप सभी से दिल की अमीक गहराइयों से ये आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के हक़ में उनकी फलाह बहबूद के लिए आप लोग सभी के सभी दुआ करें। ईदुल फितर की आप सभी को पुरखलूस मुबारकबाद।